उन्नाव के बांगरमऊ तहसील में एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार ने परेशान होकर जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें पीड़ित ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। इस पूरी खबर पर देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। हम इस समय खड़े हैं उन्नाव जिले की बांगरमऊ तहसील के अंतर्गत, जहां एक पीड़ित ने प्रार्थना पत्र दिया है कि उसके पिता महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उनके नाम पर बनाया गया है एक सामुदायिक शौचालय, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार चौरी चौरा जैसा महान उत्सव मना रही है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए, और दूसरी तरफ जिले के अधिकारी इस तरह की उदासीनता बरतते हुए महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर बना रहे हैं शौचालय। अब देखने वाली बात यह है कि क्या कार्रवाई की जाती है इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ। ये विकासखंड बांगरमऊ के ग्राम अरगूपुर में जो सामुदायिक शौचालय बनाया गया है, वहाँ संज्ञान में लाया गया कि वहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम लिख दिया गया है। तत्काल मैंने संबंधित खंड विकास अधिकारी से वार्ता की है और वहाँ से ये नाम वहाँ से हटाने के लिए और इसके लिए कौन उत्तरदायी है उसका उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। आज ही मैंने खंड विकास अधिकारी को वो पदवाने के निर्देश दिए। वंश गोपाल मिश्रा, अच्छा ये बताइए, आपके पिताजी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। हाँ, महान, जिनके नाम को लेकर अरगूपुर में एक सामुदायिक शौचालय बनाया गया है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? सामुदायिक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर एक सामुदायिक शौचालय बनाना, ये अधिकारियों की वो इच्छा को प्रदर्शित करता है। ये भावना क्या है, स्वतंत्रता सेनानी नाम से कोई स्मारक पार्क सड़क वगैरह बनती तो अच्छा लगता, एक शौचालय का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम रख दिया, इससे तो हमारा परिवार बड़ा आहत है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उसके नाम से पार्क बनाओ, गेट बनाओ, जिसकी मांग हम लोग सालों से कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे आप लोग। उसके घर की रास्ता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बंद कर दी गई, उप जिलाधिकारी महोदय ने उस पर बहुत बड़ा रोड़ा लटका रखा है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान करना ही तहसील प्रशासन का और ब्लॉक प्रशासन का उद्देश्य है। धन्यवाद। अभी आप गए थे तहसील में तो ये प्रार्थना पत्र किस लिए देने गए थे? वो क्या पिताजी का वो नाम लिखा गया जो वो शौचालय का अशोक नहीं लगता है, इस विषय में देने गए थे वहाँ। किसने लिखा था? हमने स्वयं लिखा है, हमने स्वयं लिखा और गांव वाले कह रहे थे कि ये थोड़ा अशोक नहीं लगता है, जैसे ग्रामवासियों के कहने से, क्षेत्रवासियों के कहने से। और जो शौचालय पे नाम लिखा गया तो उसके विषय में क्या सोचना है? अब जो गांव में स्कूल भी अवेलेबल था, अस्पताल भी अवेलेबल है, इस पर नाम लिखा जाता तो अच्छा लगता है और शौचालय पर नाम थोड़ा अटपटा लगता है, शोभनीय लगता है। तो आपने क्या विचार किया? हमने विचार ये किया है कि हमने जिलाधिकारी महोदय मुख्यमंत्री जी को प्रार्थना पत्र दिया है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर गाँव में गेट बनाया जाए बढ़िया, गाँव में बनने वाले अस्पताल का नामकरण किया जाए, गाँव में बनने वाले स्कूल का नामकरण किया जाए और जो गांव से सड़क निकली है उसका नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या उसके परिवार के नाम पर किया जाए। मैं तो बता दूं कि लैट्रिन शौचालय जैसी जगह पे नाम नहीं है। अब जैसे शौचालय जैसी जगह पर नाम थोड़ा अशोभनीय लगता है, इस विषय में आप विचार करके इसको मामले को ठीक करें। क्या अधिकारियों को मिला था? हाँ, क्या अधिकारियों को सोचना चाहिए कि शौचालय की जगह और कोई नाम लिखा देते इस तरह की? हाँ, ये बताओ क्या आपने ये कहा था कि हमारे पिताजी का नाम शौचालय लिखो? नहीं, हमने ये हमसे बताया गया था कि सरकार का आदेश है कि सरकारी बिल्डिंगों पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों महापुरुषों के नाम से लिखा जाएगा। अब उन्होंने हमसे बताया था विद्यालय है और अस्पताल आपके गाँव मन्ना है, इनमें नाम लिखाया जाएगा, पर उन्होंने शौचालय में लिख दिया, इस विषय में थोड़ा विचार किया जाए कि ये कदम उचित है कि अनुचित है। तुमको क्या लगता है? अब हम ग्रामवासियों को लगता है कि स्कूल नाम रखा जाए, उसका नाम रखा जाए, सड़क का नाम रखा जाए, नाम गेट बनवाया जाए, ये बातें ठीक है। इस विषय में आप भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, हमारे अधिकारी हैं, इस पर सोच विचार करके कदम उठाएगा। नहीं तो तुमको ये जो लिखा गया शोभनीय लगता क्या शोभनीय लगता है? हमको तो हमारे क्षेत्रवासियों को थोड़ा शोभनीय लगता है। क्या आपने ये कहा था कि उसको मुफ्त दीजिए जाके? ये हमने उनसे कुछ नहीं कहा, पोत दोगे रहने दो। अच्छा, हाँ, फिर हमसे उन्होंने कहा था मंत्री जी ने बुला करके खंड विकास अधिकारी द्वारा
तो उन्होंने कहा था कि हमारा क्यों नुकसान करोगे, थोड़ा सहमत पत्र लिख दो। तो हमने कहा था सहमत पत्र लिख दिया, लिख देता हूँ, मगर इस पर आप विचार करें कि ये अशोभनीय है, ठीक है ये कदम आपका, कि अनुचित है उचित है, आपको आपके अधिकारियों को सोचना है। तो क्या सहमत पत्र लिख कर दिया है आपने? हाँ, वो सहमत पत्र हमसे लिखाया था, इसलिए कि उन पर कोई कार्रवाई ना हो तो हमने यही लिख दिया कि इस पर विचार किया जाए, और इस पर वो हमने जो लिखाया वो लिखा लिया है, उसको आप खुद देख लेना क्या लिखा उसमें। और हमसे कहते हैं कि एफिडेविट दो आकर सवेरे। तो क्या दबाव में लिखा है? अब दबाव ही मान चलिए, इसके लिए तो आप स्वयं निर्णय लें कि किस वजह से कैसा क्यों लिखाया गया। नहीं तो क्या आपसे उन्होंने दबाव में लिखाया है कि आपके स्वेच्छा से लिखा गया है? अब वो एक प्रकार के अप्रोच से दबाव। अच्छा, हाँ ये दबाव में लिखा है। अरे ये तो अप्रोच से दबाव। जैसा कि अभी हम आपको बता चुके हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सूरत प्रसाद मिश्रा के नाम से शौचालय बना था। जब पत्रकारों को ये पता चला और पत्रकारों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो तुरंत ग्राम पंचायत अधिकारी ने कहकर अपने आदमियों को भेजकर वहां मौके पर सूरत प्रसाद मिश्रा के नाम को मिटवाना शुरू कर दिया, जिससे ये पता चलता है कि इन लोगों ने कुछ न कुछ गलत जरूर किया है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी इस तरीके से अगर करते रहेंगे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनके नाम से चौरी चौरा जैसे महोत्सव होते हैं और उनका नाम यहाँ पर धूल धूसरित किया जा रहा है सिर्फ शौचालय में लिखा कर, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम की अहेलना की जा रही है। सुरेश मिश्रा, लाइव 24 न्यूज चैनल, बांगरमऊ, उन्नाव। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।